एम आई ऑडिबल क्लियर जी? गुड। या कल हमने देखा था लिम्बिक ब्रेन के बारे में, उसमें किसी को कोई डाउट है? कोनो का कोई डाउट है कल से एग्जाम मध्ये? राजेश्वरी मैडम, दोबिना, आपको कोई डाउट है? कोई डाउट है कल के इसमें? हेलो, हाँ हेलो, कुछ कल जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला उसमें कोई डाउट है? नहीं, आज हो चुके हैं। नहीं ना, गुड, होना भी नहीं चाहिए। मुझे बताओ, वजन बढ़ने का रीजन, who would like to tell? Apart from eating habits and everything, wasn't padhne ka main reason in terms of limbic system, who would like to explain? What is limbic system? Limbic, L-I-M-B-I-C. Apne body mein jo do, limbic system is your internal mechanism which works on the, jo parallel nervous system hoti hai apne body mein, central nervous system ke alawa jo sympathetic nervous system hoti hai, which controls your entire body, ये जो fight and flight mechanism वगैरह सब है, so that is termed as a limbic system. जहाँ कल जो हमने देखा, hippocampus, hypothalamus, amygdala, ये सारी चीजें जो है, medical science में सिर्फ एक terminology की तरह पढ़ाई जाती है, but this is how the body actually works. तो इसको limbic system कहा जाता है, and अपने brain में भी तीन हिस्से होते हैं, reptilian brain, limbic brain and frontal cortex. इतने ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बट रेप्टिलियन ब्रेन जो होता है ये पहले 7 सालों में बच्चों का डेवलप होता है, एंड पहले 7 सालों में जो हमारे दिमाग में जाता है उस पर अपनी पूरी जिंदगी डिसाइड होती है. वॉट एवर वी आर टूडे इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, एंड उसके बाद अगर अपने को अपनी जिंदगी चेंज करनी है तो उसके लिए फिर आगे ये सारी चीजें एक्चुअली करनी, बिकॉज वॉट एवर यू लिसन राइट फ्रॉम द डे व्हेन यू वर इन द 5th मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी, लाइक व्हेन यू वर योर मदर्स वूम, वहां से लेके पहले 7 सालों तक जो भी आप सुनते हो, जो भी आप देखते हो, उससे आपकी पूरी लाइफ आगे की डिसाइड होती है, एंड इट डिसाइड्स हाउ यू विल रिएक्ट टू द सिचुएशंस, इट डिसाइड्स हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, इट ऑल्सो डिसाइड्स योर लाइफ स्टाइल कि आप क्या करोगे आगे, बिकॉज दैट बिकम्स योर प्रोग्रामिंग ऑफ योर एंटायर बॉडी. अपनी बॉडी जो है ये हार्डवेयर है, माइंड जो है सॉफ्टवेयर है, इसमें जो भी जाता है पहले 7 सालों में जाता है, क्योंकि उस वक्त जो दिमाग होता है वो थीटा मोड में होता है, एंड इट जस्ट एक्सेप्ट द थिंग. इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चों के सामने झगड़े नहीं करने चाहिए, छोटे बच्चों के सामने अच्छी चीजें रखनी चाहिए, बिकॉज इट कंटिन्यूसली इट गेट्स प्रोग्राम्ड इन योर माइंड. उसके बाद फिर जब आप आगे चेंज करना चाहते हो तो देन यू हैव टू गो फॉर एनएलपी, हिप्नोसिस, जो भी अलग अलग चीजें आती है, देन यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन चेंजिंग दोस पैटर्न, क्योंकि एक बार वो पैटर्न बन गया तो बन गया. तो जो भी है वो पहले 7 सालों में, तो कुछ टेक्निक्स ऐसे भी होते हैं जहां पे लाइक टुडे इवन इफ यू आर एट एज ऑफ से 35, 40, 50 व्हाटएवर, तो आप एग्जैक्टली उस इंसान को उस लेवल पे वापस लेके जा सकते हो. हिप्नोसिस में जब हम क्लिनिकल हिप्नोसिस करते हैं, तो द पर्सन कैन बी टेकन बैक टू द एज ऑफ 5, एंड अगेन द न्यू प्रोग्राम्स कैन बी फेड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड सो दैट हिज पैटर्न चेंजेस. क्योंकि कॉन्शियसली जब हम किसी चीज को बोलते हैं कि नहीं तू अभी ये करना चालू कर, वो करना चालू कर, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है इंसान के लिए, क्योंकि इतने सालों का पैटर्न बना होता है. बट अगर हम लोग उसको हिप्नोसिस के थ्रू करें तो डेफिनेटली थिंग्स कैन बी चेंज एंड एवरी पैटर्न कैन बी चेंज. तो अभी हम जब EFT में देख रहे हैं, EFT में हम यही देख रहे हैं कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स. तो व्हेन यू से पॉजिटिव इमोशंस एंड व्हेन यू से नेगेटिव इमोशंस, क्या फर्क महसूस होता है दोनों में, क्या फर्क होता है? व्हेन यू से दैट यू आर, व्हेन यू से दैट यू आर हैविंग अ पॉजिटिव इमोशन, हाउ एग्जैक्टली डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड?
या आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपकी बॉडी पॉजिटिव इमोशन में है? See, I feel that when I'm happy and in that happy emotion, I sleep better. I wake up even better. Yes. So, because when I'm under stress, it's reverse. Yes. So this is how I feel. That is how my body responds. Yes, and even when you are happy, you feel energetic. You feel like doing the things. वरना चीजें नहीं होती है. But when you are sad, then things don't work. So I'll show you one small example. So when you are happy, this is right now what I am. Suppose if I am sad. यहाँ पर क्या होता है? When you are happy, your energy flow from top to bottom is continuously flowing. But when you become sad, it actually disrupts the flow of energy. And अगर हम लोग cellular level पे देखें, तो we are made up of almost 50 trillion cells, and each and every cell has a voltage of 1.444 actual voltage, जिसको science ने गिन के measure किया हुआ है. So every person is like 1.44 into 50 trillion cells. Itna voltage apne body mein hamesha hota hai. But it is that we, based on our energetic pattern, thinking pattern, ye pura scattered way mein hota hai. Jo log sach mein motivated hote hain, jo log sach mein financially abundant hote hain, jo log sach mein khush hote hain, you will see that they are really charged. No matter what happens, they are always happy. क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फ्रेम में एनर्जी को हमेशा रखते हैं. दे ऑलवेज सी दैट हाउ थिंग्स कैन बी मेड बेटर. बट अपने साथ क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुआ तो अपना स्विच बंद हो जाता है एंड आगे का सर्किट टूट जाता है. एवरी सेल इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. हर एक सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. एंड द मोमेंट द एनर्जी फ्लो डिसरप्ट्स, यू स्टार्ट फीलिंग अनइजीनेस इन द बॉडी. यू स्टार्ट फीलिंग दैट sensation, you start feeling uneasiness, you start feeling sickness. जो भी होता है वो सब flow of energy की वजह से होता है. Medical science flow of energy को नहीं मानता है, but neuroscience now has proven that energy flows in the body. Electrical energy होती है, because whatever signals are being transmitted from any part of the body, they are getting transmitted in form of voltage. And this energy is directly sensed by the brain. तो जब ही ऐसा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग सैड. और वाइस वर्सा, व्हेन यू फील सैड, व्हेन यू सी समथिंग, एकदम सपोज किसी के साथ कुछ हो जाता है, सपोज कुछ हादसा हो जाता है, व्हेन वी लिसन दैट न्यूज और व्हेन वी सी दैट थिंग हैपनिंग, अपना एनर्जी फ्लो अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है. बिकॉज वी टेंड टू ब्रेक ऑल द सर्किट्स के, अरे ये कैसे हुआ. 5 मिनट पहले जो हम खुश थे वो एकदम एक झटके में पूरी लाइफ बदल जाती है. एंड वी टेंड टू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स. और अगर उसमें से हम बाद में उभर नहीं पाए तो तकलीफ होती है. एंड आजकल ऑनेस्टली लोग नहीं उभर पाते हैं, उसका रीजन भी होता है. वर्ल्ड हैज गॉन डिजिटल. हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल है, सब है, सब है. And we store the pictures, we store the events, we store the cameras, we store everything. But if we go as per normal human biology, like ancient culture, we dekhte hain, a person is bound to forget many things in his life. जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आप छोटे बच्चे को बड़े करते वक्त बहुत सारी चीजें बाद में भूल जाते हो उसके बचपन की. आपको हर चीज याद नहीं रहती है. Because that is how our mind and body is made. But nowadays, what has happened is, whether it is boon or whether it is a curse, I'll not debate about it. But what happens is, हम लोग बार-बार वो सारे incidents देखते हैं, छोटे हो जो हो, क्योंकि हमने सब कैमरा में कैद किए हुए होते हैं. But then you are again going back to the same stage again and again. You are not allowing yourself to move forward. देखना अलग बात होती है, but continuous उसी state में रहना गलत बात होती है. Sometimes it is good to isolate yourself from digital world. आगे बढ़ना important होता है, क्योंकि अपना ही energy का flow disturbed होता है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी पुराने इंसान के बारे में देखते हैं and that person is no more. तो इतने suppose if someone has passed away, say 1 साल पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले,
धीरे धीरे अपना दिमाग उसमें से बाहर निकलता है. बट अगेन इफ यू सी सम ओल्ड से इवेंट उसमें के फोटो, आप वापस उसी स्टेज में चले जाते हो एंड आपकी एनर्जी का फ्लो वापस डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं. एंड इट हैपेंस विद एवरीवन. सो प्रोबेबली ट्राई टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द थिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी हैपेंड, पास्ट रिलेशनशिप्स, पास्ट जो भी होगा पास्ट का. बिकॉज नाउ व्हेन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और एल्स यू अगेन 10 कदम आगे जाते हो 4 कदम पीछे आने के चांसेस होते हैं. यू ऑल माइट डिबेट ऑन दिस कि ऐसा कैसा, हमारे तो मतलब इतनी अच्छी मेमोरीज होती हैं, सब कुछ होता है. बट मेमोरीज जो होती है, नॉट एवरी मेमोरी हैज टू बी एक्सेस्ड एवरी टाइम. इफ दैट मेमोरी इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू, इफ इट इज क्रिएटिंग अ डिस्टर्ब्ड ऑफ फ्लो, इफ इट इज गिविंग यू अ नेगेटिव सेटबैक, चाहे वो इवेंट कितना भी खुश हो आप देखते हो, बट इफ इट इज गिविंग यू एनी नेगेटिव सेटबैक, देन प्रोबेबली डोंट वॉच इट. क्योंकि आपके बॉडी का सर्किट आपके हाथ में होता है, सर्किट इमीडिएटली कट हो जाएगा. आप वापस, आप सोच के देखो, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि सपोज समवन हैज पास्ड अवे, आप अभी खुश हो, अचानक उस इंसान का चेहरा आप देखते हो, यू अगेन गो बैक टू दैट स्टेट एंड योर एंटायर सर्किट ब्रेक्स अप. हैविंग फीलिंग्स फॉर समवन इज गुड थिंग, रिस्पेक्टिंग समवन इज एब्सोल्युटली नीडेड, बट गोइंग इनटू दैट स्टेज अगेन ओनली हार्म्स यू, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता है. एंड जब हम इमोशंस की बात करते हैं, तो इमोशन इज अ कम्प्लीट फ्लो ऑफ एनर्जी विच स्टार्ट फ्रॉम योर ब्रेन टू योर टो, एंड आपकी बॉडी जो है वो एनर्जीज बाहर वाइब्रेट करती है. वी आर फिल्ड विद 71% ऑफ वाटर. जब आप कोई भी थॉट लेते हो, तो वो थॉट आपके बॉडी में से बाहर वाइब्रेट होता है, नोइंगली अननोइंगली. साइंस हैज प्रूवन इट. इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर can store huge, huge, huge amount of water data. Proven है. तो वो कैसे store करता है? A single drop of water, when it is filled with the information, उसके बाजू में जब भी MMG या बाकी जो machines लगा के जब उन्होंने check किया, so that water was actually transmitting the data in form of energy. जो universal है. आपने बहुत बार देखा होगा कि you need to like थिंक समथिंग, कि आपको कुछ आइडिया चाहिए, आप शांति से बैठते हो, 5-10 मिनट शांति से बैठते हो, आपको अचानक वो आइडिया सामने से आ जाता है. वो आइडिया कहाँ से आता है? वो आइडिया आपके दिमाग में से पैदा नहीं होता. दैट आइडिया और दैट थॉट समवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज जस्ट लाइक यू फाइन ट्यून द रेडियो फ्रिक्वेंसी. जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यून करते हो 101.5 FM, तो आपको 101.5 के गाने सुनाई देते हैं, बिकॉज यू आर ट्यूनिंग. व्हेन यू ट्यून योर बॉडी एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, यू कैन आइदर गो टू द हाईएस्ट स्टेट ऑफ योर हैप्पीनेस और एट द लोवेस्ट स्टेट ऑफ योर सैडनेस. तो ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ हाउ योर बॉडी और हाउ योर इमोशंस चेंज, अमावस्या एंड पूर्णिमा. Many people experience that they see an emotional turbulence. 71% of the body is filled with water. When it is a full moon day, जब चांद पूरी एनर्जी के साथ होता है, तो वो वाटर के तरफ खींच लेता है, वाटर को अपनी तरफ. समुद्र का पानी भी ऊपर जाता है, अपनी तो फिर भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है. Especially females. And if they are undergoing their regular monthly cycles, they undergo severe pains during Amavasya Purnima. क्योंकि body में इतने सारे changes हो जाते हैं, body water पानी जो है वो खींचा जाता है बाहर. At the same time during Amavasya new moon day, a person becomes lethargic. क्योंकि body stagnancy की तरफ जाती है. Energies always create a difference in your life. बट हम लोग उसको देखते नहीं है, हम लोग सिर्फ देखते हैं कि किस तरह से हम तो आज पिज्जा खाए, कल बर्गर खाए, एंड देन यू डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ एनर्जी. जब हम लोग अभी आज देखेंगे कि किस तरह से बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स टैप करने से क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, तो यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, दैट यू विल बी एबल टू फील दैट रिलैक्सेशन इमीडिएटली. क्योंकि अपने बॉडी के एनर्जी से जब हम टैपिंग करते हैं, टैपिंग का जैसा दोविंदा मैंने पूछा था, टैपिंग मतलब क्या,
टैपिंग इज नथिंग बट कंप्लीटिंग द एनर्जी सर्किट. यहां से एनर्जी आई है, यहां से यहां तक आई है, बट यहां से आगे नहीं जा रही है, यहां से आगे नहीं जा रही. सो व्हेन आई एम डूइंग दिस, अपने हाथों में एनर्जी होती है. ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट हैज एनर्जी. द लॉजिक बिहाइंड दिस इज विच डॉक्टर कैलहन एंड ग्रेग ने जब भी EFT डेवलप किया था, और किसी ने मुझे TFT के बारे में भी पूछा था. आई कम टू दैट ऑल्सो. तो जब हम टच करते हैं तो दिस इज द एनर्जी पॉइंट. कोई भी अपने हाथ की उंगली, व्हेन यू आर टचिंग दिस, तो यहाँ का जो ब्रोकन सर्किट है वो कनेक्ट हो जाता है. यहाँ का ब्रोकन सर्किट कनेक्ट होगा, यहाँ का ब्रोकन सर्किट कनेक्ट होगा. आई विल टीच यू द सीक्वेंस कि किस तरह से करना है, सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट योर ब्रोकन सर्किट इन द राइट वे. अब EFT एंड TFT आया कहाँ से? रॉबर्ट कैलहन जो डॉक्टर था, उसके पास मेरी नाम की एक लेडी आई थी. शी हैड अ फियर ऑफ वाटर. फियर, आई विल कॉल इट एज फोबिया. इट वाज नॉट अ फियर, इट वाज अ फोबिया ऑफ अ वाटर. तो वो जब ही डॉक्टर ने उससे बात की तो उसको महसूस हुआ कि देयर आर सर्टेन एनर्जी पॉइंट्स. और वो हमेशा द वे शी वाज बिहेविंग, तो डॉक्टर ने बस उसको कहा कि यहाँ पे जस्ट टैप करो, बिकॉज दिस डॉक्टर वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. रॉबर्ट कैलहन उसका नाम था. तो वो थॉट TFT, तो थॉट के ऊपर यहाँ पर वो डॉक्टर जब काम कर रहा था, तो व्हाट ही डिड इज ही आस्क्ड हर टू टैप हियर. यहाँ पे कंटिन्यूअस 20-25 मिनट उसको टैप करने के लिए बोला, सेइंग दैट आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर. एंड 20-25 मिनट बाद वो लड़की का फियर इतना चला गया दैट शी डायरेक्टली उस पॉइंट में उसने जंप लगा दी, बिकॉज दैट एनर्जी सर्किट गॉट कंप्लीटेड. बट उस टाइम पे क्या था कि TFT जब आया था शुरू में, तो TFT हैड 62 मेरिडियंस एंड इतना सारा टैपिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. देन डॉक्टर ग्रेग, हु वाज हिज स्टूडेंट, ही केम अप विद अ न्यू टेक्निक कि ओनली फ्यू मेजर पॉइंट्स ऑफ योर टैपिंग कैन बी डन. जैसा हम लोग टैरो रीडिंग में करते हैं, सारे टैरो कार्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती. मेजर अरकाना माइनर अरकाना देखा, उसमें से मेजर कार्ड देख लिए तो बहुत बार अपने को सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. इट इज नॉट नीडेड दैट यू गो थ्रू ईच एंड एवरी टैरो कार्ड. तो इसी तरह से आपके बॉडी के जो मेजर एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये देख के आप काफी हद तक खुद के बॉडी में चेंजेस ला सकते हो, बिकॉज दिस इज लाइक कंप्लीटिंग द एनर्जी सर्किट. अब यहाँ पर ही लोग बहुत बार गलती करते हैं कि टैपिंग इज नॉट जस्ट अ टैपिंग. यहाँ पे आपको इमोशंस खुद के रखने होते हैं. यू आर नॉट ड्राइविंग अ व्हीकल, व्हीकल में जान नहीं होती है. यहाँ पे यू आर ड्राइविंग योर बॉडी, यू आर एडिंग द एनर्जी, यू आर कंप्लीटिंग द एनर्जी सर्किट. फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज यहाँ टैपिंग कर रहे हो एंड मन में अपने किसी को गाली दे रहे हो, इट विल नेवर हेल्प यू. यू हैव टू बी present in that given moment with the feeling that now it is helping me to release that particular fear or whatever thing. But hum log tapping chalu hai yahan pe financial dependence ka, money energy ke liye, money ke liye tapping chalu hai, and soch rahe hain ki yaar isne ye kiya usne wo kiya, it doesn't work. Jab log kehte hain ki EFT kaam nahi karta, EFT kaam definitely karta hai, but then you have to respect the EFT. Uska naam hi hai EFT, emotional freedom technique. You have to complete that circuit. एंड जब सर्किट कंप्लीट होता है तो आपको 5 मिनट में इमीडिएटली रिजल्ट मिलने दिखने शुरू हो जाते हैं. अभी विदाउट एक्सप्लेनिंग फर्दर, आई विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर सर्किट एंड यू विल सी दैट हाउ योर बॉडी इज चेंजिंग. कुछ नहीं करना, जस्ट पानी पी लेता हूँ एक घूंट. आपको भी पानी पीना है तो पी लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि आप जब भी EFT करें, बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स दैट यू आर कनेक्टेड टू द एंटायर एनर्जी अराउंड यू, बिकॉज दिस इज हाउ योर लाइफ इज. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज कनेक्टेड टू द एनर्जी. एंड अगर आप देख महसूस करना चाहोगे हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, जब सबसे पहले कोई फियर आता है, the most sensitive part of your body which responds first is the anus. Immediately aapko wahan pe mehsoos hota hai that something is wrong. Body mein harkat wahan se shuru hoti hai.
मराठी में जिसको मूलव्याध कहते हैं, पाइल्स इंग्लिश में. द मेन सेंटर फॉर मैक्सिमम डिजीज इज पाइल्स, इसलिए उसको आयुर्वेद में मूलव्याध कहा गया है. मेन शिकारी, वहीं से सारी डिजीजे शुरू होती है, क्योंकि अपने पेट में सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं. So whenever you have to start working on your EFT, first is be thankful to the universe that you are connected with the energy. आप सांस ले रहे हो वो भी एनर्जी की वजह से ले रहे हो. उसके बाद अभी आपको कुछ नहीं करना है, just do the way I am doing and you will see that how good you are feeling. अभी कुछ भी affirmation मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, just think that you are allowing the energy to flow through your body. जो universe से जो energy आई है उसको just receive कर दीजिए अपने हाथों से. एंड ऐसा देखिए कि जैसे जैसे आप एक एक पॉइंट टैप कर रहे हो, आपके बॉडी का पूरा एनर्जी फ्लो कंप्लीट हो रहा है. सो वी विल स्टार्ट विद दिस. जस्ट विजुअलाइज दैट योर हैंड्स आर एक्सेसिंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स. इसके बाद ये दो उंगलियां हैं जिससे यहाँ पे, फर्स्ट इज यहाँ पे जो आपका जिसको हम लोग तालू कहते हैं, हल्के हाथ से टैप कर देना एंड फील दैट द एनर्जी सर्किट इज गेटिंग कंप्लीटेड. जो एनर्जी यूनिवर्स से आई है वो आपके बॉडी में आ रही है. यहां से दिस पॉइंट यहाँ पर गलती नहीं करनी है. आर्मपिट के एग्जैक्टली चार उंगलियां नीचे आना है. आर्मपिट के एग्जैक्टली चार उंगलियां नीचे, आर्मपिट में टैप नहीं करना है. आर्मपिट से चार उंगलियां नीचे यहाँ पे जहाँ पे हड्डी है वहां पे टैप करना है. यहाँ पर कॉलर बोन एंड ब्रेस्ट जहाँ शुरू होती है वहां पे आपको एक नरम हिस्सा मिलेगा हड्डी का, वहां पे बहुत हल्के से टैप करना है. बहुत जोर से मत कीजिए, हार्ट भी वहीं पर है. बहुत जहाँ एग्जैक्टली ब्रेस्ट शुरू होती है कॉलर बोन खत्म होता है वहां पे आपको महसूस होगा वो नरम हिस्सा है, वहां पे टैप करना है. उसके बाद हाथ के सबसे बाहर वाले जो है इस तरह से यहाँ से चालू कीजिए, अंगूठे से, अंगूठे का ये हिस्सा. एक बार खुद करके देखिए एंड सी हाउ यू आर फीलिंग. ये दो उंगलियां बहुत हल्के से करनी है, दो बिना सिर्फ दो ही उंगलियां यूज करनी है. विंदा यू एबल टू डू इट? दीज टू नाखून नहीं है ना? नेल शुड नॉट पियर्स. नाखून है ना तो कोई, और जिस उंगली में नाखून कम हो, क्योंकि नाखून का और ये टच इसमें पॉइंट का बहुत फर्क पड़ता है. ट्राई टू टच द स्किन पॉइंट नॉट द नेल पॉइंट. ये तो उंगलियां, हाँ उंगली टच होनी चाहिए. इट हैज टू वर्क लाइक दिस ना? हाँ ये उंगलियां टच, ये वाला टच, ये टच होना चाहिए ना? हाँ यस. अब एक बार खुद अपने पॉइंट सर्वन करके देखो. जब एक बार कंप्लीट हो जाए सबसे पहले यहाँ से शुरू से करना है. क्या यहाँ से शुरू करना है? शुरू से, हाँ. एक बार वापस, नाउ व्हाट यू डू इज विजुअलाइज व्हाट एवर थिंग यू आर हैविंग राइट नाउ. सपोज इफ समवन इज हैविंग एनी फियर और समवन इज हैविंग एनी पेन, आई एम एक्सपीरियंसिंग अ पेन इन माय स्टमक, आई एम एक्सपीरियंसिंग अनइजीनेस इन माय स्टमक, ऐसा ही बोल दो. अभी सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं ये मैं आगे सिखा दूंगा, बट अभी जो एग्जैक्ट है वैसा ही बोलना है. आई एम एक्सपीरियंसिंग अनइजीनेस इन माई स्टमक. यहाँ से शुरू करो.
पांच पांच बार टैप किया तो भी चलेगा, बट एट दैट टाइम फील दैट द एनर्जी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स योर स्टमक एंड इट इज हीलिंग दैट पार्ट. इसके बाद क्या है? इसके बाद ये चिन, ये लोअर लिप एंड इसके बीच में ये जो जॉइंट है, ठोड़ी का पॉइंट जहाँ चालू होता है, इसके बाद आर्मपिट के एग्जैक्टली चार उंगलियां नीचे यहाँ पर, यहाँ हड्डी शुरू होती है. दोनों साइड या एक ही साइड? इधर एक 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 ही साइड, एक ही साइड. अच्छा उंगली का ना, उंगली का सिर्फ एक ही साइड लेना है, दोनों साइड नहीं. लेफ्ट और राइट? नहीं, आई एम डूइंग इट विद माय राइट हैंड. तो उंगली के बाहर के हिस्से में. जस्ट ये दोनों हाथ यहाँ रख के फील दैट एनर्जी, एक बार खुद कर दो. विवेक जी, आई एम आस्किंग के आर्मपिट लेफ्ट वाला होना चाहिए, राइट वाला होना चाहिए? आप आपके आप अगर राइट हैंड से कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड पे कर दो, लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो राइट पे कर दो. एनीवन इज ओके. यस मैडम. या सर, हाँ बीच में बिकॉज़ आई वाज अटेंडिंग टू अनीश, तो मैंने ये जब जस्ट टैपिंग आपका स्टार्ट हुआ है तो मिस किया है. नहीं, मैं बता देता हूँ. तो जस्ट पॉइंट्स मुझे बता देना. हाँ हाँ बिल्कुल. देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट कहाँ से शुरू करना है, फर्स्ट देन दिस, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, नहीं सॉरी, ये यहाँ से शुरू किया है, यहाँ इसको आप यहाँ से यहाँ ले सकते हो या यहाँ से यहाँ ले सकते हो, बट अगर प्रॉपर सीक्वेंस में जाते हैं तो यहाँ से ये किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, 12, 13, 14, वापस यहाँ पे टैप करके 15 पॉइंट पे हाथ को बस दोनों हाथों से यहाँ पे रख दीजिए. यू विल फील दैट वाइब्रेशन. एक बार आप खुद करके देख लो, किसी भी एक्चुअली किसी भी इवेंट को या किसी चीज को याद करके इसको देख लो, एक्चुअली फील दैट फ्लो ऑफ एनर्जी विच इज हैपनिंग. सो विवेक जी, व्हेन बिफोर वी डू द टैपिंग, वी हैव टू इनवोक the universe for its positive energies. Yes. And after that, we start the tapping. Okay. But we have to remember that what emotion we are trying to get rid of. Yes, and preferably use one thing at a time. अगर financial abundance के लिए कर रहे हैं तो financial abundance, health के लिए कर रहे हैं health में भी कोई अगर. Do we need to say something? I'll be helping you with the actual sentences, how to frame the sentences. आज हम लोग पहले एनर्जी सर्किट कंप्लीट कैसे करना है बॉडी का ये देखेंगे. सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन सॉरी ये दो फिंगर्स. हाँ ये दो फिंगर्स, ये दो फिंगर्स, ये हाँ दीज टू, एंड एक ही हैंड से. अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते तो फर्स्ट इज दिस पॉइंट, यहाँ पे एक होगा, बट यहाँ पे दो होंगे, फिर यहाँ पे दोनों साइड, यहाँ पे दोनों एक साथ करने, यहाँ पे दोनों एक साथ करने. हाथ हाँ. अच्छा, तो ये जो सेंटर में है तो हमने दो फिंगर्स से करना है ना, ये दो फिंगर्स से. बहुत धीरे से कीजिए, सेंटर में ना, हेड में. हाँ, इंजरी ना हो इस हिसाब से कीजिए. अच्छा, देन यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे है थर्ड आई. हाँ, देन दिस पॉइंट, या देन दिस यहाँ पे आर्मपिट से चार उंगलियां नीचे जहाँ पे हड्डी शुरू होती है, रिब केज जहाँ चालू होता है.
उठा सबसे बाहर, इसके सबको सबके मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये पॉइंट्स क्यों टैप करने हैं। आई प्रोवाइड अ रिटन नोट्स ऑन ऑल दिस थिंग्स सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दोनों हैंड्स का करना है ना, नहीं, एक ही हाथ का कर, एक ही हाथ का सिर्फ, यहाँ आपको दोनों हाथ यूज करने, आपकी बॉडी का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। नहीं आप थम कर रहे हो, लेफ्ट का पूरा कर रहे हो तो राइट में भी, नहीं राइट का नहीं किया तो भी चलेगा, राइट का नहीं किया तो भी चलेगा, एक ही हाथ का करना है। देन यू एंड दिस, देन यू एंड दिस एंड कीप योर हैंड दिस वे एंड फील दैट फ्लो ऑफ एनर्जी, यू विल एक्चुअली फ्लो, यू विल एक्चुअली फील दैट एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम योर हेड टू योर एंटायर बॉडी। आप एक बार और करके देखो सो दैट आई एम श्योर दैट यू आर डूइंग इट राइट। इवन आपकी सर्दी खांसी के लिए भी आप कर सकते हो। Okay, so like supposedly right now I'm having a very bad running nose and sore throat. Mm. So I can do this for this as well. Yes. I choose to heal myself from this running nose. Okay. And also I wanted to ask you, what is the relevance of these two fingers? Ye do fingers aasan hai tap karne ke liye. Right. यूज करने के लिए आसान है, क्योंकि अगर आप ये दो उंगली से करने को देखोगे तो आपके फिस्ट पर ये सबसे आसान पॉइंट्स है। ओके विवेक सर, आप एक-एक को आप यू वांट अस टू चेक एक-एक कर, दो-दो मिनट हम सब एक-एक करके दिखा दें। आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट इफ यू कैन डू इट, आप कर दीजिए। मैं आपको इसको मैं अपने स्पॉटलाइट से निकलता हूं, आपको पिन करता हूं, सो आई विल बी एबल टू सी हाउ यू आर डूइंग। हां कर दीजिए। Yes. Yes. ये exactly यहाँ पर एकता मैडम, ये यहाँ यहाँ आंखों के नीचे ये जो पॉइंट है ना ये वाला, हाँ यहाँ पर, अच्छा हाँ यहाँ पर, ओके फिर और कोई करना चाहेगा? मुझे इनफैक्ट ऐसे लग रहा है सडनली ना, मतलब वो आई कुड फ्लो भी हो रहा है और सडनली सर्दी हो गई, ऐसे लग रहा है। नहीं वो निकल जाएगी। सी आई विल पुट इट दिस वे, व्हेनेवर एनीथिंग हैपेंस इफ यू सी द ऑनसेट ऑफ डिजीज, मैं वो आपको चार्ट शेयर करता हूँ। व्हेनेवर एनीथिंग हैपेंस द बॉडी शोज द सिम्पटम दैट समथिंग इज मूविंग आउट, चाहे फिर वो सर्दी हो खांसी हो कुछ भी हो, जो नेगेटिविटी बॉडी में भरी हुई थी कहीं ना कहीं तो वो बाहर निकलनी चाहिए। सो नाउ इट इज शोइंग दैट इट इज ऑन द हीलिंग फेज कि अभी वो नेगेटिविटी निकल रही है आपकी बॉडी से, बट हम लोग क्या करते हैं उसी पे इतना काम करते हैं कि वो सप्रेस हो जाती है बहुत बार। इट शुड बी रिलीज, लाइक इफ यू रिमेंबर आवर चाइल्डहुड, अपने टाइम पे डॉक्टर जनरली बोलते थे सर्दी खांसी जो है 6-7 दिन में अपने आप चली जाती है, दवाई की जरूरत नहीं। आजकल क्या होता है 2 दिन सर्दी नहीं हुई कि तीसरे दिन डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, एंड योर बॉडी स्टॉप्स हैविंग दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी टू बिल्ड द इम्यूनिटी। तो ये सारी चीजें नॉर्मल हीलिंग फेज में जब आती है, ऑफकोर्स वेन आजकल के जमाने में हम रिस्क भी नहीं दे सकते जो भी अभी बीमारियां चल रही है, बट इट इज यू शुड अलाउ योर बॉडी टू हील योर सेल्फ एटलीस्ट टू सर्टन एक्सटेंट, नॉट फॉर एवरीथिंग, बट नॉर्मल चोट लगती है कुछ हो जाता है यू कैन हील योर बॉडी। एंड EFT ऐसा टूल है, आई विल नॉट क्लेम इट एज कि इससे आपकी बीमारी ठीक होती है, बट इससे आपके एनर्जी लेवल्स ठीक होते हैं। नाउ व्हाट है व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हेनेवर सपोज इफ यू आर हैविंग अ फिजिकल इंजरी या कोई बुखार है सर्दी है कुछ भी होता है, सबसे पहले जब आपके पास जब फिजिकल इंजरी होती है तो भी आपके एनर्जी का फ्लो पूरा डिस्टर्ब होता है, इमोशनल
emotional turbulence also creates an impact on physiology, as well as physical injury also creates an impact on emotional things. For example, अगर आपको चोट लग जाती है या सर्जरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके इमोशंस पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं. यू स्टार्ट फीलिंग सैड, यू स्टार्ट फीलिंग एंजाइटी, यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड. सिमिलरली व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर एंग्री, ऑटोमेटिकली व्हेन योर फिजियोलॉजी चेंजेस, बोथ गो हैंड इन हैंड. तो अगर आपके पास अगर फिजिकल पेन हुआ है किसी को कुछ अगर मेजर इंजरी हुई है, कीमोथेरेपी में भी मैंने use kiya EFT, you can help a person to release that pain, because what is happening is you can actually shift that energy. Impotency, infertility, irregular periods, har cheez ke liye EFT kaam aati hai. Agar waqt mila to hum log kal usko cover kar denge, that at least ek topic to usme se main le dunga. So Vivek ji, haan ji, I wanted to ask you one thing, like supposedly कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या रिलेशनशिप या कोई चीज है विच इज नॉट एग्जिस्टेंट, ओके, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, बट इफ इट कम्स टू मी एंड सर्फेसेस, समटाइम्स इट सर्फेसेस, इट रियली पुल्स मी डाउन. व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू इज दैट कैन वी डू टैपिंग विद एन इंटेंशन ऑफ रिलीजिंग दैट? डेफिनेटली यू कैन डू इट. आई चूज टू शिफ्ट माय इमोशंस इमीडिएटली. I choose to remain happy under all the situations. जब आप कहते हो I choose to, तो automatically आपकी body respond करती है. But जब आप बोलते हो I want to be happy, means you are focusing on the lack. I choose to be happy, means as if you are already happy and you are choosing it by default. तो आपकी body अलग तरह से respond करती है. But हम लोग क्या करते हैं? I want this, I want that. एक छोटा सा example. पैसे सभी को चाहिए होते हैं, एंड व्हाट वी से दैट आई वांट मनी, एंड व्हेन यू से आई वांट मनी, इट मींस दैट यू डोंट हैव मनी एंड यू आर फोकसिंग ऑन द लैक. अब आंख बंद करके 10 बार ये बोल के देखो आई डोंट वांट मनी. ये एक और एक थेरेपी आती है, उसमें सिखाया जाता है आई डोंट वांट मनी 10 बार बोल के देखो एंड सी हाउ लाइटर यू आर फीलिंग. इमीडिएट चेंज होता है बॉडी का मैकेनिज्म, क्योंकि फिर वो ऐसा अज्यूम होता है कि यस यू ऑलरेडी हैव इट एंड यू गो इनटू दैट अबंडेंट स्टेज. अगर आप एक्सेस कॉन्शियसनेस के जो राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी हुई है मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम. उस बुक के फर्स्ट चैप्टर में ही उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इस कंसेप्ट को, दैट हाउ एग्जैक्टली वी आवरसेल्व्स डोंट अलाउ मनी टू फ्लो इन आवर लाइफ. Because we focus on the lack. Same happens for the relationship. Same happens for the health. I want to be healthy. You want to be healthy means you are not healthy. I choose to be healthy. Automatically things change. So, जब आपको कोई past relationship अगर surface हो रहा है, तो इससे आप ठीक कर सकते हो. या अगर कोई trigger factor की वजह से हुआ है, तो उस trigger को हमेशा के लिए दबा दो. You are already versed with various therapies. Trigger factor ko nikal do. It can be any factor. Kis factor ko? Trigger. Anchor. Trigger factor. Haan, trigger factor. For example, kuch koi color dekh liya, koi kapde ka color dekh liya, and automatically we go back to that same state. Aur phir purani sab cheeze bahar aa jati. Wo jo bokal jo bottle ka example diya tha, sada hua doodh, wo achanak bahar aa jata hai and existing doodh ko kharab karta hai. So Vivek ji, what I am asking you is that, like I've told you the thing, okay? अब जिस time हम tapping शुरू करेंगे, obviously we'll invoke the higher universal energies that are positive. उसके बाद we don't have to think about the problem. We just have to say the affirmation. Yes. That absolutely. I choose to be happy now. Yes, I choose to be happy now. And you will see that you are happy. वो फिर वो emotions आपको bother ही नहीं करेंगे. Right. Same happens with relationship. Same happens with, agar suppose किसी की near family member की किसी की death हुई है या कुछ हुआ है, and if that pain is bothering you, so you can choose your sentences. कल हम लोग sentence frame करना भी सीखेंगे. Vilda, you have any query? आप बहुत शांत बैठे हो. I'm fine. हाँ, बहुत शांत बैठे हो इसलिए पूछा. हाँ,
जब आप टैपिंग करते हो खुद के लिए, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि आपकी एनर्जी सर्किट फ्लो जो है वो कंप्लीट हो रहा है. टुडे वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ योर एनर्जी सर्किट इज कंप्लीटेड एंड व्हाटएवर थिंग्स हैपन, एनी फिजिकल इंजरी और एनी इमोशनल डिस्टर्बेंस इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टर्ब फ्लो ऑफ एनर्जी. PTSD जो होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जब किसी की इंजरी होती है, कोई ऑपरेशन होता है, कुछ हो जाता है, तो इंसान बहुत दिनों में स्ट्रेस में रहता है. इसके लिए डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं. बट दिस PTSD कैन बी इजिली हैंडल्ड विद EFT, क्योंकि वहाँ पर आपको उसके इमोशंस को चैनल करना है, उसकी फ्लो ऑफ एनर्जी को बैलेंस करना है. फाइनली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है बॉडी का 50 trillion cells into 1.44 volts, इसको आपको बैलेंस करना है. So once you start working on that, you will see that things are getting much, much, much better. So आप सबसे अभी आज रात को कुछ मत कीजिए, सर, सोने से पहले 2-3 बार इसको इस साइकिल को कंप्लीट कीजिए एंड देन स्लीप. यू विल सी यू आर एबल टू स्लीप वेरी पीसफुली. बहुत सी एनर्जी रिलीज हो जाती है. पानी बहुत पीजिए. व्हेन यू लैक द इनटेक ऑफ वाटर, तभी भी आपका फ्लो ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है. तो जितना हो सके पानी पीजिए, सो दैट यू फील ऑलवेज हाइड्रेटेड. द मोमेंट यू स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, योर फ्लो ऑफ एनर्जी ब्लॉक्स. वाटर इज कनेक्टेड यूनिवर्सली. ईच एंड एवरी पर्सन इज कनेक्टेड विद ईच अदर ऑन द एनर्जी लेवल. टेलीपैथी वरना होती ही नहीं थी, या बाकी भी बहुत सारी चीजें जो होती है ये नहीं होती थी. व्हेन यू आर गैदरिंग सम थॉट, it is not that you are gaining that thought already exists in the universe, just you are fine tuning your energies to attract that thought, chahe fir wo acha ho ya bura ho. isliye hum bolte hain ki bura mat bolo, bura mat socho. so knowingly unknowingly you will start attracting those things. wo thought aapke paas easily aa sakta hai. hum jab kehte hain ki din mein ek baar saraswati mata apni zuban pe baithti hai, knowingly unknowingly you might attract some thought. Or you might say something which will come in reality. क्योंकि अपनी body tune करती है हर thought को. So always try to think how different you can make your life with your own thoughts. आपके thoughts अगर सही मायने में नहीं है, सही दिशा में नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है. तो कोशिश यही कीजिए कि आपकी energy का flow disturb ना हो. So before we leave today, I would teach you a small exercise. Okay. Take a deep breath. And now, आपको इलेक्ट्रिक का स्विच कैसे ऑन ऑफ होता है पता है. जैसे ही स्विच ऑन करते हो आपका बल्ब जलता है, जैसे ही स्विच ऑफ करते हो बल्ब बंद हो जाता है. What you have to do now is, any finger which you like, thumb and any finger, touch the finger and think, close your eyes, touch the finger and see the happiest moment of your life and feel that moment, live that moment for 1 second. It can be any moment. The only thing is that moment should not, if it was a happy moment in past, but if it is a painful moment in present, it should not be considered. फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप है जो पहले बहुत अच्छी थी बट अभी पूरी बैंड बज गई है उसकी, तो उस इंसिडेंट को याद मत करो. एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ वेयर यू हैड फेल्ट दैट यस दिस इज द बेस्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ. इट कैन बी एनी थिंग राइट फ्रॉम योर फर्स्ट स्टैंडर्ड. राइट, जब पहली बार में भी आपको आपकी मम्मी डैडी ने चॉकलेट दिया होगा आपको अगर याद है, वो याद करने की कोशिश करो जहाँ आप सच में खुश थे. I feel that energy, feel how happy you were at that particular time. Feel it for at least 1 minute. अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए. 5, 4, 3, 2, 1. Very slowly open your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. अब इस एक्सरसाइज को कैसे करना है. डेली एटलीस्ट 15-20 टाइम्स, एक एक मिनट का काम है. आप सोफे पर बैठे बैठे भी कर सकते हो, कहीं कुछ भी करते हुए कर सकते हो, एक्सेप्ट वाइल ड्राइविंग और कुकिंग और वाइल यू आर ऑन द मशीन. जस्ट थिंक अबाउट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ.
इसको टच करते ही वो सोचना है. इफ यू डू इट कंटिन्यूअसली फॉर 24 डेज मिनिमम, यू विल सी, यू विल एक्सपीरियंस एंड यू विल ऑल्सो लिसन दैट हाउ यू आर फीलिंग हैप्पी जस्ट बाय मेरली टचिंग दीज टू फिंगर्स. वो प्रोग्राम ऐसे बन जाएगा कि आपके सामने चाहे कुछ भी हो रहा हो, द मोमेंट दीज फिंगर्स आर टच्ड, योर इमोशंस आर शिफ्टेड टू द हैप्पी स्टेट ऑफ लाइफ. So that you are able to conquer your emotions. And practically सब जगह में भी आपको EFT करना possible नहीं होगा, but ये तो आप practically possible है. Just touch these two fingers and you will see that the smile comes on your face. But इसको program करना होता है. It's a pattern which you have to break for the existing whatever जो भी चल रहा है. तो जैसे ही आप इसको program करोगे दिन में 15-20 बार, तो your subconscious mind starts accepting the thing that जैसे ही ये दो fingers touch होंगे मुझे उस स्टेट में जाना है. दिस हेल्प्स यू टू गेट रिलीफ फ्रॉम इवन अ फिजिकल पेन, इवन अ इंजरी. ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ है, इट हेल्प्स. बट इसको प्रोग्राम करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. नथिंग कम्स मैजिक मंबो जंबो, कुछ नहीं होता है. इट इज ऑल इन आवर माइंड एंड वी कैन एक्चुअली क्रिएट द थिंग्स विच वी वॉन्ट. बट हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं. हम लोग देखते हैं हमेशा कि कितने आसानी से कुछ हो. तो आसानी से कोई चीज होती नहीं है. वी हैव टू सी दैट हाउ वी कैन प्रोग्राम आवरसेल्फ. नॉर्मल जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं बॉडी के, 24 दिनों में पहला प्रोग्राम ब्रेक होता है, दूसरे 24 दिनों में नया प्रोग्राम बनता है, एंड तीसरे 24 दिनों में वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है. तो मिनिमम 72 डेज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी चेंज इन योर बॉडी. वरना फिर आप देखो कि जिम के लिए लोग जाते हैं, पहले 10 दिन 15 दिन महीना जाएंगे, मे बी 1.5-2 महीने जाते हैं, बाद में टूट जाता है क्योंकि वो पैटर्न इम्प्रिंट ही नहीं हुआ. बट एक बार जब आप 72 डेज या 74 डेज कंप्लीट करते हो, देन इट बिकम्स योर हैबिट. सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन योर हैबिट, कॉन्शियस माइंड डजंट वर्क ऑन हैबिट. सबकॉन्शियस माइंड हैबिट का इतना आदि होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते वक्त भले आपके बाजू में अगर कोई बैठा है, तो आप फिर भी सामने कोई आता है तो अचानक ब्रेक दबाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, कैसे करेगा, एंड यू विल बी एबल टू डू इट. जब आप किचन में खाना पकाते हो, ट्राई टू रिकलेक्ट हाउ यू एक्चुअली हैड कुक्ड योर फूड टुडे, यू विल बी अमेज्ड. इतनी सारी चीजें आपने अपने आप की, यू वर नॉट कॉन्शियसली डूइंग इट, इट वॉज जस्ट हैपनिंग. आपने कॉन्शियसली सिर्फ क्या किया, जो जो चीजें लाई थी, जो चाहिए थे वो ली. बट देन थिंग्स हैपेंड एट अ सबकॉन्शियस लेवल, क्योंकि वो पैटर्न आपका इतना स्ट्रांग बन गया दैट यू आर एबल टू. व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि आपने इतने सालों में चपाती बनाई होगी, रोटी भेजी होगी. अगर सबकॉन्शियसली ये पक्का बैठा हुआ है कि मुझे रोज होटल से ही खाना मंगाना है, तो फिर वो कभी नहीं होगा. बट व्हेन वी आर डूइंग इट डेली, तो इट हैपेंस. तो आपको ये टेक्निक अगर आप यूज करते हो, आपके बच्चों के लिए भी यूज करते हो, कर सकते हो एग्जाम का फियर जाने के लिए. थिंक अबाउट व्हेन यू वर रियली कॉन्फिडेंट, थिंक अबाउट हाउ एग्जैक्टली यू कैन गिव योर एग्जाम, ऑटोमेटिकली उसका फियर चला जाएगा. रिलेशनशिप इशू में थिंक अबाउट हाउ एग्जैक्टली आई वॉज हैप्पी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉज व्हेन आई मेट द पर्सन, थिंग्स विल चेंज. क्योंकि चेंज स्टार्ट्स विद अस, एंड व्हेन वी स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सामने वाला भी उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है. अगर आपकी नेगेटिव मैसेज खुद से भेजते हो, खुद के दिमाग में मैसेज रखते हो, तो सामने वाले को नोइंगली अनोइंगली वो जाता है. बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द पर्सन, वी आर कनेक्टेड ईथर लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद एवरीवन. आपके सोच से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हेल्प्स यू to connect with anyone, any given moment of time. उसके ऊपर बहुत सारे research चालू है, but you can tune into your inner self and connect with anyone, anytime. So Vivek ji, how does that help? How does that help? That helps you when you go, when you take your mind to the theta level. Right now you are talking with me at a beta level. Your mind is functioning at a cycle of like 21 to 30 cycles per second. When you go to alpha level, it works like 15 to 20. When it goes to theta, so 6 to 10 or 6 to 15 ke sahi, uska exact
देखना पड़ेगा. एंड व्हेन इट गोज टू बिलो 3 or 4 साइकल्स पर सेकंड देन इट गोज टू डेल्टा मोड, जहां आप एकदम गहरी नींद में सोते हो. तो जब आपको किसी के साथ कनेक्ट करना है तो यू हैव टू आइदर गो टू अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट, विच इज प्रैक्टिकल विद क्लिनिकल हिप्नोसिस. आप वो प्रैक्टिस करके कर सकते हो. बट हम दिन में एटलीस्ट एक बार तो भी थीटा स्टेट में जाते हैं, अल्फा स्टेट में जाते हैं. लाइक व्हेन यू आर वॉचिंग अ टेलीविजन, यू गेट सो मच एंडोर्स विद दैट कि बाजू में क्या हुआ है वो पता नहीं चलता है, बट स्टिल यू आर अवेक. मतलब आप कोई सीरियल देख रहे हो, सब कुछ देख, आप पूरी तरह से भूल के सब कुछ देखते हो, बट अगर बाजू में आपके बच्चे ने कुछ किया तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है. तो यू आर गेटिंग द कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीरियल. आप सब कुछ इतना ध्यान से देख रहे हो बट फिर भी आप होश में भी हो. अल्फा स्टेट इज द स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर नाइदर स्लीप नाइदर यू आर अवेक. थीटा स्टेट जो होता है वहां पे वो थोड़ा सा गहरी नींद में जाता है. एंड डेल्टा स्टेट जो होती है वहां पे आप कभी देखो बच्चे के हाथ से ऊपर से हाथ घुमाओगे तो भी उसको पता नहीं चलेगा अगर वो गहरी नींद में है. अगर वो अल्फा स्टेट में है तो इमीडिएटली वो करवट बदलेगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी प्रोग्राम आवरसेल्फ. किसी दिन ईएसपी पे भी बात करेंगे, बट ईएसपी हेल्प्स एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस एंड एवरी पर्सन हैज दैट पावर. इट इज ओनली दैट वी हैव काट दिए अपने अपने खुद के पंख काट दिए, क्योंकि यहाँ वहां से बिलीफ उठाते हैं, यहाँ से ये उठाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव इन योर सबकॉन्शियस माइंड. तो कल हम लोग एक्चुअल ईएफटी का फ्रेमिंग देखेंगे, किस तरह से करना है, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस एंड हाउ टू सी द रिजल्ट इमीडिएटली. कल हम लोग एक अच्छा टॉपिक, वैसे जहाँ सारे लेडीज हैं सभी ग्रुप में, विल टेक अप द टॉपिक फॉर मेंस्ट्रुअल साइकल्स पीरियड्स. All hormonal related, PCOD or menstrual cycle or premenopause. So this जो just the previous one I would like to ask you, जैसे two fingers, मतलब कोई भी two fingers we can touch with the happy state of mind. नहीं कैसा है? हाँ अच्छा, वो आप कोई भी कर सकते हो, but preferably ऐसा कीजिए कि जो आपकी उंगलियाँ आसान हो. मेरे लिए तो आसान है, बट सम पीपल फाइंड इट रिंग फिंगर एंड ये कोई भी टच कर दे, इट शुड बी जस्ट लाइक अ स्विच. द मोमेंट यू टच यू गो इनटू दैट स्टेट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो. सामने अगर कुछ हो रहा है तो एटलीस्ट वी शुड बी इनटू अ बैलेंस स्टेट. सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है, सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर टुडे एंड प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू सो, सब कुछ अच्छा होगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो.